पहला सवाल तो ये था कि पहले क्यों नहीं बोले, जब सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था तब क्यों नहीं बोले। लेकिन अगला सवाल जो है उन लोगों द्वारा जो पूछा गया है वो ये है कि जब बाबरी मस्जिद वहां पर खड़ी थी उस वक्त आप लोगों ने ये दावा क्यों नहीं किया कि बाबरी मस्जिद के नीचे बुद्ध से बौद्ध धम्म से जुड़े हुए अवशेष है, वो जगह साकेत है। उनका कहना यह है कि आप में हिम्मत नहीं थी कि आप मुस्लिम लोगों को ये कहे कि ये जगह हमारी है। आप तब बाबरी मस्जिद के समर्थन में थे। मेश्राम जी, हम लोग इस देश में जितने विदेशियों ने आक्रमण किए, जी हम सबके सब विरोधी है। सबसे पहले ब्राह्मणों ने, यूरेशियन लोगों ने आक्रमण किया, जी हम उसके विरोध में हैं। जी फिर जो लोग ये कहते हैं कि हम मुगलों के समर्थन में हैं, आज तक हमारे जितने वीडियो रिकॉर्ड अवेलेबल जी है, हमने शुरू से मुगलों को आक्रमणकारी घोषित किया। ये मुगल आक्रमणकारी थे, जी मुगलों ने भारत पर आक्रमण किया, मुगलों ने भारत को गुलाम बनाया। जी और जब मुगलों ने भारत को गुलाम बनाया तो ब्राह्मणों ने मुगलों को भारत को गुलाम बनाने के लिए साथ सहयोग दिया, जी समर्थन दिया। ब्राह्मण या आरएसएस के लोग ये नहीं दिखा सकते कि उन्होंने, मुगलों ने जो 350 साल तक भारत पर राज किया, उस समय उन्होंने कभी कोई आजादी का आंदोलन चलाया, मुगलों के गुलामी से आजादी का आंदोलन, जी ऐसा एक भी इविडेंस आरएसएस के लोग और ब्राह्मण लोग नहीं दिखा सकते। बल्कि मैं दावे के साथ कहता हूं, बाबरनामा में भी यह लिखा हुआ है। बाबर ने लिखा, अपने खानदान के लोगों को कहा कि इस देश में अगर ज्यादा देर तक राज करना है तो ब्राह्मणों के साथ मिलजुल कर राज करो। और मुगलों ने ब्राह्मणों को अपने राज्य व्यवस्था में हिस्सेदारी दी, और जब हिस्सेदारी दी तो उस हिस्सेदारी के अंतर्गत ब्राह्मण उसमें हिस्सेदार थे और मलिदा खा रहे थे, हिस्सेदारी का, जी सत्ता का उपभोग भी कर रहे थे और मुगलों को, भारत को गुलाम बनाए रखने में मदद भी कर रहे थे। अगर 350 साल तक मुगल भारत में राज करने में कामयाब हुए, उसमें एक बड़ा कारण ब्राह्मणों का है, ब्राह्मणों का साथ सहयोग है। ये काम ब्राह्मणों ने देशद्रोह का काम किया हुआ है, जी क्योंकि वो भारत के मूल निवासी नहीं थे और डीएनए के अनुसार ये बात सिद्ध हो गई है। और इसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि उन्होंने ये देशद्रोह का काम वो मूल निवासी भारत के रहने वाले ना होने की वजह से किया था। जी एक तो ये बात हमको समझना है, जी ये बात हम शुरू से कह रहे हैं। 1857 का जो विद्रोह भारत में किया, उसमें तात्या साहब टोपे, ये जो कोकरस्थ ब्राह्मण था, उन्होंने बहादुर शाह जफर नाम का, जो मुगलों के खानदान का आखिरी चिराग था, जी उसके साथ समझौता किया और समझौता करके उसको अपना नेता तस्लीम किया, स्वीकार किया, जी और उसके नेतृत्व में अंग्रेजों के विरोध में भगाने का आंदोलन, खत्म करने का आंदोलन चलाया। जी ये बात तात्या साहब टोपे ने बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में यह किया। जी और कब किया? जब अंग्रेजों ने ब्राह्मणों को हिस्सेदारी देने से इनकार कर इनकार कर, दिया, जी और अंग्रेजों ने ब्राह्मणों की धर्म व्यवस्था में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। क्योंकि मुगल ब्राह्मणों की धर्म व्यवस्था में, समाज व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं कर रहे थे, ये भी दूसरा सबूत है। जी तीसरा सबूत यह है कि ब्राह्मण लोग जो है वो उनके राजकाज में शामिल थे, सत्ता में हिस्सेदार थे, और ब्राह्मणों के ही इशारे पर
ब्राह्मणों ने ही मुगलों को वहां जो बौद्ध स्थल था, जो ब्राह्मणों को मालूम था, वो बौद्ध स्थल था, वो मालूम होने की वजह से उस बौद्ध स्थल को गिराकर बाबरी मस्जिद बनाने का सलाह दिया, ऐसे कहा जा सकता है। क्योंकि राजकाज में वो थे, अगर राम मंदिर था तो उन्होंने राम मंदिर को गिराने के लिए मुगलों का साथ दिया, ऐसा तो नहीं कह सकते जी। तो फिर वहां मंदिर था तो किसका था? वो तो ब्राह्मणों का नहीं था, राम मंदिर नहीं था जी, वो बुद्धिस्ट लोगों का था। उसको गिराने के लिए ब्राह्मणों ने ही उनको कहा होगा, ऐसे कहा जा सकता है, क्योंकि वो सत्ता में हिस्सेदार थे जी। और उसके आधार पर उन्होंने उसको गिराकर वहां मस्जिद बनवाई, बाबरी मस्जिद। और ये ब्राह्मणों को मालूम था जी, परंपरा में ब्राह्मणों को मालूम था, वो ये सोच रहे होंगे कि कहीं मौका मिलेगा भविष्य में तो ये मामला हम लोग उठाएंगे। ऐसा बाद में उन्होंने रामलला की मूर्ति रख करके ऐसा किया जी। अयोध्या में अरे रामलला की मूर्ति तक उपलब्ध नहीं करवा पाए, वो रामलला की मूर्ति गोरखपुर से लेकर गए, अयोध्या में रामलला की मूर्ति तक नहीं दिखा पाए जी। वो गोरखपुर से हनुमान पोद्दार के घर से लेकर गए और मस्जिद में रखा। तो ये एक महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, बहुत ज्यादा अहम है कि ब्राह्मणों के कहने पर ही वो मंदिर या वो बौद्ध स्थल गिराया होगा और ब्राह्मणों के कहने पर ये मुगलों ने किया होगा, ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि वो सत्ता में हिस्सेदार थे जी। बिल्कुल। अब आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, इससे ये सारी बात सिद्ध होती है कि ब्राह्मण लोग मुगलों के सत्ता में हिस्सेदार थे, ये सिद्धांत हम लोग प्रचार में ला रहे हैं। ब्राह्मण भी आक्रमणकारी थे और मुगल भी आक्रमणकारी थे, पहले भी मैं कह रहा हूं, आज भी मैं दोबारा कह रहा हूं जी। मगर एक मौलिक बात समझने की जरूरत है, मुगल और मुसलमानों में अंतर है। मुगल रेस है, मुसलमान उसको कहते हैं जिसका कुरान पर ठोस यकीन और विश्वास है जी। अकबर का तो कुरान पर ठोस यकीन और विश्वास भी नहीं था जी। कुरान ने अकबर ने दीने इलाही नाम का अलग धर्म चलाया था जी। और अल्लोपनिषद नाम का एक अलग ग्रंथ लिखा था। अगर कुरान अल्लाह ताला की किताब उपलब्ध थी, ऐसा मुसलमान कहते हैं, मुसलमानों का यकीन है जी, मुसलमानों का ठोस विश्वास है, फिर अकबर का क्यों नहीं है? और अकबर का नहीं है तो किस आधार पर अकबर मुसलमान थे ये कहा जा सकता है जी। तो अकबर अपना आपको मुसलमान घोषित करने से ज्यादा अपने को मुगल मानने में गर्व और गौरव महसूस करते थे, उनका रेस पर यकीन था। ब्राह्मण भी जन्म आधारित सिद्धांत पर यकीन करते हैं, मुगल भी करते हैं, दोनों का जन्म आधारित सिद्धांत पर यकीन है, विश्वास है जी। तो इसलिए यह कहा जा सकता है कि ब्राह्मण भी आक्रमणकारी थे, मुगल भी आक्रमणकारी थे। भारत में जो मुसलमान हैं वो भारतीय मुसलमान हैं। अफगानिस्तान तक मौर्य साम्राज्य की सीमाएं थी जी। वहां तक का कोई भी व्यक्ति अगर भारत में आज दिखाई देता है और अगर वो इस्लाम को मानता है तो उसका धर्म इस्लाम हो सकता है, मगर उसकी नेशनैलिटी भारतीय है, वो भारत का मूल निवासी है जी। तो मुगल होना और मुसलमान होने में अंतर है। तो हमारा मुसलमानों को विरोध करने का कोई वजह नहीं है, क्योंकि उनकी नेशनैलिटी भारतीय है, वो भारतीय है, इस बात को हम जानते हैं और मुसलमानों को भी जानने और समझने की जरूरत है। हम पहले भी मुगलों के विरोधी थे, आज भी है, आगे भी रहेंगे। और जो मुगलों के खानदान के लोग और विदेशी कहने वाले लोग भारत में थे मुसलमान, वो 14 अगस्त 47 के बाद भारत में रहे नहीं, वो चले गए हैं।
और अगर थोड़े बहुत रहे होंगे तो ब्राह्मणों ने उनको अपना दामाद बनाने का अभियान चला रखा है। ऐसे भी बहुत सारे सबूत नाम के साथ में बता सकता हूं, तो उनको बहुत मिर्ची लग जाएगी, इसलिए मैं अभी उनका नाम नहीं बताना चाहता। जी संकेत जी, जी विलास तो उनका ये कहना जी। कि हम वो मुगलों से डरते हैं जी, किसी की आधार पर डरते नहीं है, ना हम किसी का तुष्टीकरण करने के लिए ऐसा कह रहे हैं, जो है वो हिस्टोरिकल फैक्ट कह रहे हैं जी। विलास खराज जी, आप क्या कहेंगे इस पर? ब्राह्मणों का कहना है कि विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस ने जब बाबरी को तोड़ा उसके बाद अपनी दावेदारी आप पेश कर रहे हैं, जब बाबरी मस्जिद खड़ी थी उस वक्त आप मुसलमानों से नहीं लड़ेंगे, क्या कहेंगे? दरअसल ब्राह्मण विदेशी होने के कारण वे कभी भी इस देश के साथ ईमानदार नहीं रहे जी, क्योंकि वो इस देश के है ही नहीं। ब्राह्मण हमेशा सत्ता के लिए और अपने वर्चस्व को कायम करने के लिए लड़ते आए जी। जब मुगलों का राज था तो उनके साथ उन्होंने रिश्तेदारी की, प्रशासन में हिस्सेदारी की। छत्रपति शिवाजी महाराज का उदाहरण है कि छत्रपति शिवाजी महाराज को मारने के लिए कुलकर्णी नामक ब्राह्मण अफजल खान के साथ वकालत कर रहा था जी। ब्राह्मण हमेशा देश के लिए खतरा बने हुए हैं। जितने भी आक्रमण देश में हुए उसका कारण ब्राह्मण और ब्राह्मणों की व्यवस्था रही है। वो हमेशा दावपेश में परिवर्तन करते हैं, उद्देश्य में परिवर्तन नहीं करते जी। जो ब्राह्मण हमें कह रहे हैं कि तुम मुगलों को या बाबर को विरोध क्यों नहीं कर रहे थे, 1857 का गदर तो यही पेशवा ब्राह्मण तो मुगलों के साथ मिलकर लड़ रहे थे, क्यों लड़ रहे थे जी। एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड मैंने हाल ही में पढ़ा कि जो आखिरी मुगल था राजा, उसको ब्राह्मण जाकर कह रहा है कि मैं अंग्रेजों का आक्रमण रोक सकता हूं कुछ दिन के लिए, बस उसके लिए मुझे पैसा दो और मैं आपके घर में आकर यज्ञ करूंगा। यानी एक मुगल राजा को एक ब्राह्मण चुना लगा रहा था। जब अंग्रेजों का दौर आया तो अंग्रेजों के साथ भी ये ब्राह्मण लोग वफादार रहे। वफादार रहने का सबूत है कि बाजीराव पेशवा ने अंग्रेजों का पेंशन कबूल किया और कानपुर के बिटूर में सेटलमेंट कर कबूल किया जी। इसी बाजीराव पेशवा ने एक अंग्रेज अफसर को जो उसको पेंशन लाकर देता था उसको आशीर्वाद देते हुए कहा था कि अगले जन्म में तू ब्राह्मण के घर में पैदा होगा। तो ब्राह्मण अंग्रेजों को अपना खानदान का मानते थे जी। मुगलों को भी वो अपने खानदान का या रिश्तेदार मानते थे, तो ब्राह्मणों को यह अधिकार नहीं है। और दूसरी बात, ब्राह्मण लोग इस देश के नहीं होने के कारण उन्हें हम पर उंगली उठाने का अधिकार नहीं है। संकेत जी, जी अगला सवाल यह है। संकेत जी, संकेत जी, 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 जी मैं भी इस मुद्दे पर एक दो बात और कहना चाहता हूं जी। जी एक बात यह है कि जो भारतीय मुसलमान है जी, वो भारत के मूल निवासी है। जो लोग ऐसा हमको कहते हैं कि मुसलमानों से क्यों नहीं लड़े जी, आरएसएस की हमेशा ये कोशिश रहती है कि ब्राह्मण छोड़कर और मुसलमान छोड़कर सारे लोग मुसलमानों से लड़े जी। जब वो मुसलमानों से लड़ेंगे तो बाकी सारे अपने आप हिंदू बन जाएंगे जी, क्योंकि ब्राह्मण प्रचार करके किसी को हिंदू नहीं बना सकता।
और अपनी संख्या नहीं बढ़ा सकता, ब्राह्मण पैदा करके अपनी संख्या नहीं बढ़ा सकता। तो वो हरेक को एससी एसटी ओबीसी के और तमाम लोगों को वो मुसलमानों के विरोध में लड़ाने बढ़ाने में लगा हुआ है जी। और जितने एससी एसटी ओबीसी और जो एससी एसटी ओबीसी नहीं है जी और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नहीं है, वो सारे जो लोग हैं उनको मुसलमानों के विरोध में लड़ाने भिड़ाने में लगा हुआ है जी। जो लोग ब्राह्मणों के कहने पर मुसलमानों के विरोध में लड़ते भिड़ते हैं वो अपने आप ब्राह्मणों की लड़ाई लड़ते हैं। हम गधे तो है नहीं कि ब्राह्मणों की लड़ाई लड़ेंगे, हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं जी। जो भारत के भारतीय मुसलमान है, जो पहले महादेव भाई था वो मोहम्मद भाई हो गया, उसके डीएनए में हमारे डीएनए में क्या फर्क है जी। तो मुसलमान तो डीएनए के अनुसार मूल्यवासी है, वो भारतीय है, उसके विरोध में क्यों लड़ेंगे हम लोग। ब्राह्मण चाहते हैं कि हम उनसे लड़े, हम गधे लोग नहीं है उनसे लड़ने के लिए। और जो ऐसा लड़ते हैं मैं उनको अव्वल दर्जे का गधा मानता हूं, गधा घोषित करता हूं। ये भी बात मैं कहना चाहता हूं।